नमस्कार दोस्तों, मैं राजू शर्मा। हम मौजूद हैं मधुबनी जिला के खजौली विधानसभा अंतर्गत बैरा टोल, जहां हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़ेंगे जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष और बैरा पंचायत के मुखिया ब्रज किशोर यादव। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है बैरा टोल में, आइए सुनते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं वो। धन्यवाद देना चाहते आप ही लोग बचे हुए हैं जो आम आवाम की आवाज को उठाते हैं। जहां तक इस चुनाव की सवाल है और चुनाव में खासकर खजौली विधानसभा की जो बात है, उसमें लोगों ने तय कर लिया कि जिस तरह से गठबंधन और महागठबंधन ने उम्मीदवार को दिया है, वो दोनों घिसा पिटा उम्मीदवार है और दोनों से आम कार्यकर्ता नाखुश है। अंतिम समय तक महागठबंधन के और जो एनडीए का उम्मीदवार है, दोनों के पक्ष में जो सर्वे गया है वो पूरा का पूरा दोनों के विरुद्ध में गया है। फिर भी ना जाने गठबंधन और एनडीए के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका क्या मजबूरी हुआ जो इन दोनों के उम्मीदवारी दिया है। आपके सामने में है विषम परिस्थिति। वह चाहे वह देवधा की मुख्य सड़क हो, बासोपट्टी की मुख्य सड़क हो, या आम गरीब का जो जिस तरह से बाढ़ में जो हालत हुआ, कोरोना काल में जो पीड़ित अपने घर में जिस तरह से पैक था, आज यहाँ के जो छात्र कोटा में जिस तरह से रो रहे थे, जिस तरह से दिल्ली बंबई गुजरात में हमारे मजदूर भाई वहां पर रो रहे थे, कोई नहीं देखने वाला था, तो पूरे बिहार में एक पार्टी एक नेता पूर्ण रूप से सड़क से लेकर और उनके आवास तक जाकर उनको मदद करने का काम किया था। वो था हमारे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी। मैं उनके सिपाही होने के नाते हम लोगों ने भी कोरोना काल में आपके चैनल के माध्यम से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जो यहाँ के उम्मीदवार दिए हैं उनसे हम कहना चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से वो अपना डाटा डाले, फेसबुक पर डाले कि कोरोना काल में और बाढ़ काल में इन दोनों ने खजौली विधानसभा के आम आवाम के लिए क्या किया। और मैं इससे पूर्व भी डाटा डाला था और आज भी डाटा डाल रहा हूं कि जब खजौली विधानसभा में कमला नदी के पावन तट पर जिस तरह से बाढ़ में लोग पूर्ण रूप से पीड़ित था, वो था खैरामाट, वो था हनुमान नगर, वो था टेढ़ा डूब गया था, जहां हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोटरसाइकिल से जाने का काम किया था और कई दिनों तक हमने भोजन वहां पर लोगों को मुहैया।
जैसा कि सुना आपने ब्रजकिशोर यादव को, उन्होंने कहा कि 30 साल में जो अब तक बिहार में नहीं हुआ है वो हमारी पार्टी 3 साल में करके दिखाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें। धन्यवाद।